छत्तीसगढ़ की धरती से जन्मे खेल स्टेट बॉल के मथुरा उत्तर प्रदेश में 20 से 22 दिसंबर तक होने जा रहे प्रथम नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने छत्तीसगढ़ स्टेट बॉल की 45 सदस्यीय टीम रविवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना हुई। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अंतर्व्यवसायी वित्त विकास निगम की उपाध्यक्षा सुश्री नीता लोधी ने दुर्ग रेलवे स्टेशन में पहुंचकर खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और किट का वितरण किया और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विजेता होने का आशीर्वाद भी दिया। यहां बता दें कि 8 राज्यों की अंडर 17 और अंडर 19 के बॉयज और गर्ल्स टीमों में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। टीम के साथ स्टैंडबॉल फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अली, ट्रेजर डॉक्टर शाजिया खान, छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन निजामी, फिजियो डॉक्टर पायल मिश्रा, कोच गिरीश कश्यप, ईशु निर्मलकर, मिथिलेश शर्मा और भीकम। शुरू होने पहले टाइमिंग देखा। आज छत्तीसगढ़ की स्टैंडबॉल की टीम पहले नेशनल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए खेलने के लिए मथुरा जा रही है और इसमें हमें ये बालोद और दुर्ग के बच्चे हैं, यहाँ पर दुर्ग जिले के कुछ बच्चे अभी बिलासपुर के, कोरबा के, सूरजपुर के सब आ रहे हैं और आपका आना हुआ बहुत स्वागत हम लोग का। इस मौके पर हम चाहते हैं कि बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप जो है आप कुछ दो शब्द कह दें। जी, सबसे पहले तो स्टैंड बॉल के सभी बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है खेल को प्रोत्साहन देने की, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ ओलंपिक भी यहाँ हुआ और ये जो स्टैंड बॉल खेल है ये हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बहुत जुड़ा हुआ खेल है और निश्चित तौर पर मैं सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि पहले नेशनल खेलने जा रहे हैं, खेल को खेल की भावना से खेलें और इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे अन्य खेलों में हमारे भिलाई के और पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे अपना बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये भी बच्चे बहुत अच्छा खेले, मैं इन बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने एक ऐसे नए खेल को प्रोत्साहित करके जमीन से जुड़े बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखार के आपने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। आप सभी को शुभकामनाएं और साधुवाद और नेशनल गेम के लिए खेलने जा रहे हैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जाइए और जीत के आइए। अभी एक चीज़ है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के स्थानीय खेलों का महत्व दिया जा रहा है, संयोग या दुर्भाग्य जो भी समझा जाए कि छत्तीसगढ़ स्टैंड बॉल उसमें शामिल नहीं हो पाया, लेकिन इसको हमको जोड़ना है। जोड़ के चलिए और ये पहला मौका है, आपने जैसे बताया कि पहला मौका है जब नेशनल खेलने का मिल रहा है मौका और प्रदेश के हर जिले के 4-5 जिले के बच्चे तो आए हुए हैं तो प्रदेश की टीम तैयार की है आपने तो निश्चित तौर पे इसको भी बढ़ावा मिलेगा और जैसे कि हैंडबॉल के, बास्केटबॉल के और दूसरे खेलों के बच्चे लोगों ने अपना नाम केवल अपने देश में नहीं मतलब इंडिया लेवल में नाम रोशन किया, निश्चित तौर पर इस खेल में भी हमारे यहाँ के बच्चे आगे आएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे और जिस प्रकार हर खेलों का प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ शासन हमेशा से प्रोत्साहित किया है खेलों को और खिलाड़ियों को और इनको भी जरूर प्रोत्साहन मिलेगा और ये आगे आएंगे और बढ़ेंगे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।